सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग हैं फाइनली सैंड रेस बीच पे। और फिलहाल तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा, देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सेटअप की है। पूरे नारियल के झाड़ है ऊपर, देख सकते हो। बीच बहुत आसानी से आ गए, मगर कुछ ऐसा था कि फर्स्ट टाइम था तो लोकेशन नहीं पता चल रहा था। देखते हैं, अभी लोग ने कुछ एक्टिविटीज़ रखे हुए हैं यहाँ। ये एक टेंट्स है, जो टेंट्स लगाए हुए हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ है, लाइव म्यूजिक्स हो गए और साथ ही साथ बारबेक्यू वगैरह होगा, बोनफायर वगैरह होगा। तो ये टेंट है जहाँ हमें रहना है। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगा, टेंट भी दिखाता हूँ अंदर के, जो सामान बिस्तर वगैरह कैसे हैं। हमारी पूरी फैमिली वहाँ खड़ी है, उनकी गाड़ी। सो खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, लंच का। हमारी पूरी फैमिली जुट गई खाना खाने में। वहाँ पर बैठ के आराम से आप खाना खा सकते। सो ये था हमारा खाने का इंतज़ाम, हम बैठे हुए टेबल पे। और अभी खाना खाने के बाद हम लोग निकलेंगे, बीच पे जाएंगे, नहाएंगे, वहाँ का भी शूट करूँगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। ये हमारी प्यारी सी बहन सारा, हेलो, स्माइल देख सकते हो, बहुत क्यूट सा है। और मेरी मॉम है ये, और ये रहा हमारा भाई। हेलो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। सुनो सुनो क्या बोल रही है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड बेल आइकन एंड हिट द बेल आइकन। तो प्लीज़ हमारी बहन की बात सुनिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सारा, थैंक यू। सो व्हाट्स योर नेम? फाज। फाज, हाउ ओल्ड आर यू? 7। वाओ, गिव मी 5, गिव मी 5। ओ, ये देखो, फोर सीटर सीट्स से जा रहे हैं लोग। ये एक ग्रेट एक्सपीरियंस होगा। चाचा नंबर 1, चाचा नंबर 2, चाचा नंबर 3 एंड बीच में है हमारी कजन बहन। गया हॉर्न दब गया पेट से एक्चुअली। अपनी डैड को बुला रही है, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। कामिल भाई क्या बोलते हैं बाकी, अपने अनु भाई, अनु आमिल, 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 आमिल भाई। और ये है हमारे यासर भाई, वो सब धुलते हुए हिलते। और ये हमारे साथ भाई तुफेल भाई, क्या बोलते तुफेल भाई, खैरियत है? और ये हमारे जुबेर चचा, सलाम चाचा, आयन भाई। तो ये मैच हो रहा है हमारी फैमिली के, जितने यंगस्टर्स हैं। और ये था ओल्ड स्कूल गेम का, याद आ रहा है हमारे स्कूल के टाइम का। हमारे चाचा ये कैप्टन 1, और ये है मिस्टर सुहेल खान कैप्टन 2। तो ये ऑपोजिट टीम के कैप्टन है और वो कैप्टन है। तो कैप्टन समझाते हुए सबको कि कहाँ कहाँ रूल रेगुलेशन से कैसे कैसे खड़ा रहना है। वहां पर दूसरे कैप्टन है अपने बैट्समैन को समझाते हुए। और खुरासा से आए हुए हमारे कामिल भाई, अनु भाई, एकदम आमिल भाई, कंफ्यूज होता हूँ हमेशा, आमिल भाई खुरासा से आए हुए अनु। और ये है डायरेक्टर साहब, फुल डायरेक्टर के पोज में बैठे हुए, एक फोटो बनता है, एक मैं बन हट जाओ। प्रस्तुत करते हुए एक बैट इनको देते हुए पकड़ के आराम से, आज तक उन्होंने बैट पकड़ा नहीं हाथ में दवे के सवा। और ये है हमारी विकेट कीपर सानिया और आयान भाई, बॉलर चेंज यासर। ओ क्या बात है, चौका, बहुत ही शानदार चौका। आज बैट्समैन कुछ सोच के आए थे घर से कि आज तो धुएंदार बल्लेबाजी करेंगे हम, आज सामने वाले टीम को चकमा देके। देख सकते हो हमारे टीम की जज्बा, हाँ टीम की अंदर जज्बाए, जज्बाए टीम। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैच हो गया हमारी फैमिली के बीच में। यहाँ से एंट्रेंस से बीच पे जाने का रास्ता एकदम सीधा है यहाँ से, और जो वहाँ ग्राउंड दिख रहा है वो वॉलीबॉल ग्राउंड है सामने। मैं तो एक्साइटेड हूँ, रात हो कब लाइटिंग वाइटिंग हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी बीच में नहाने भी जाना है मिल भाई। और ये यहाँ से जो मैं आपको टेंट दिखा रहा था
मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे आने के लिए। दिखा रहा हूँ यही, देखिए एकदम लाइन से लगाया हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरा है जगह। यहाँ पर बीच का रास्ता है, यहाँ से जाना है। ये मेरे नवे चाचू जो बीच की तरफ जाते हुए, और ये मेरी छोटी सी क्यूट सी कज़न सिस्टर। ये सैंड देख सकते हो कितना क्लीन और शार्प है, एकदम वाइट सैंड है। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप बीचेस पे जाते हो तो आपको दिखता है जो सैंड्स होते हैं वो एकदम ब्राउन कलर के होते हैं। यहाँ पे सैंड्स जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और क्लीननेस काफ़ी है बीच पे, काफ़ी सुकून और सन्नाटा सा है यहाँ पर। ऐसा लगता है रेगिस्तान में यार। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस सैंड के बीच में, और सीरियसली बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा बीच है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मगर आपको गंदगी ज़रा भी नहीं दिखेगी बीच के अंदर। और फिलहाल तो सैंड बहुत ही दबाव है, दबाव इस सैंड के अंदर है, पैर दब जाते हैं इसके अंदर। कुछ हमारे भाई भागते हुए यहाँ से, रुको ये। सारा बैठ जी, हम लोगों ने नहा लिया, फ्रेश हो गए, और अभी फ़िलहाल तो टी टाइम हो गया है, इवनिंग का 5-6 के बीच में ये टाइम हो रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों ने एज अ स्नैक्स, या इन लोगों ने भजिया रखा हुआ है, पकोड़े वगैरह गरम गरम, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, मैंने खा के ख़त्म कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप आएंगे तो बाकायदा लंच भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ इवनिंग में आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, टी टाइम भी होगा, काफ़ी गेम्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, नाइट भी होने बाकी है अभी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। हो गया है भजिया, तो क्या हो गया टेस्टी और साथ बहुत ज़्यादा थक चुके हैं साथ, और बहुत मेहनत किए गेम खेलने में। ये हमारा बारबेक्यू बन रहा है, वाओ स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। और हमारी बहन लाइन लगा के खड़ी है इस वक्त, एकदम खुशबू में
बहते हुए आयान भाई। खेलने जा रहे हैं इस वक्त। तो ये हाउसी गेम होने जा रहा है इस वक्त। हमारी पूरी फैमिली हाउसी के लिए तैयारी हो गई है। दो टिकट कम्पल्सरी ना, मतलब आप अपने लिए भी दो ले सकते हो, वाइफ के लिए भी दो। 10 रुपए नहीं रखूंगा, मेरा छुट्टा नहीं। नहीं तो बाद में, नहीं बाद में नहीं हो जाएगा। 50 रुपया दो टिकट। अरे बहुत महंगा है, महंगा टिकट है। डिनर का इंतजाम हमारा, क्या क्या है भाई? रोटी है, ये कौन सा है? सेमी ड्राई चिकन। ओके, करी। अच्छा ओके, करी और दाल है बेटा, वो दाल है और राइस है शायद वो ना, और ये राइस है जो काफी बेहतरीन स्मेल आ रही है। बाकी बारबेक्यू भी हो चुका है और लगी है भूख, क्योंकि खुशबू सुन के बहुत ज्यादा तेज भूख लग गई है। सो ये बॉनफायर की तैयारी हो रही है अभी फिलहाल। तो खाना सबका हो चुका है, बॉनफायर की तैयारी हो चुकी है और हमारी फैमिली अभी जुटेगी बॉनफायर के पास। होप थोड़ा एकदम एंजॉयमेंट हो जाए। ये रहा बॉनफायर और खाने की तरफ कुछ लोग हैं, तो खाना एक बार खाने के बाद सब यहाँ पर जमा होंगे। फिलहाल तो कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, आप देख सकते हो एक एक जन को कोल्ड ड्रिंक दिया। सब अपनी अपनी कुर्सी ला रहे हैं और बैठने की तैयारी। और आयान भाई फुल आँख को घूरते हुए, धुआं भी लग। फाइनली हम लोग अभी टेंट के अंदर लेटे हुए हैं। अजीब सा मुंह दिख रहा था मेरा, और ये मेरा भाई भी लेटा हुआ है टेंट के अंदर। हमको ये चद्दर मिला हुआ है, कंबल, और देख सकते हो टेंट यहाँ से हम लोग ने चारों तरफ से बंद कर दिए। ये टेंट के अंदर का नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और बहुत ठंडी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो कंबल है ना, उसकी ठंडी पता नहीं चल रही है। तो गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलेंगे मॉर्निंग में। पूरा ब्लॉग्स और कुछ दिखाने वाला हूँ मॉर्निंग के अंदर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर, लव यू ऑल। तो मेरी बहन द्वारा मुझे झूला झुलाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। मैं चला हूँ सोने थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर और एक ब्लॉग बताऊँगा। कैंट के अंदर का पूरा सीन बाकी है, वो बताऊँगा अंदर। मेरे साथ मेरी बहन मेरा हेल्प करेगी। हाय बोलो, हाय हाय पब्लिक को, हाय बोलो भाई, हाय बोलो, हाय पब्लिक। चलो बस, दैट्स इट, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी बहन के द्वारा, ये है मेरी बहन सुमू, ये है सुमेरा, और मेरी बहन के द्वारा आज हम तुमको बताएंगे टेंट के अंदर का सिस्टम, किस तरीके से टेंट था, हमने कैसा रात बिताया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, रात के कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा। इतनी ज़्यादा ठंडी थी, तुमको ठंडी लगी? इधर देखो, बहुत ज़्यादा ठंडी लगी। मैं सुबह उठ के काँप रही थी। ओहो, मेरी बहन सुबह उठ के काँप रही थी। वहाँ से मेरे कुछ भाई तैयार हो चुके हैं, 7 भाई तैयार हैं, देख सकते हो। सुबह 7 बजे उठने वाले थे सनराइज़ देखने के लिए, मगर सनराइज़ होने के बाद सन भाई ऊपर भी आ गए, मगर इन ये राइज नहीं हो पाए। अब जाके राइज हुए जब सन ऊपर उनके सर पे आ गया है। और यहाँ देखिए कोई अंदर से झांक रहा है, ये रहा अफान भाई। क्या बोलते हैं अफान भाई? अस्सलाम वालेकुम। और 7 भाई अपने, अस्सलाम वालेकुम 7 भाई, गुड मॉर्निंग मेरा भाई। सनराइज के टाइम उठने वाले थे। उठा था मैं? नहीं, उठा होगा वो, उठ गया। हाँ, इतनी ठंड लगी ना, मैं भी कंबल के बाहर नहीं आ रहा था भाई। उठा मैं, टॉयलेट गया, हल्का सा आगे गया, आयास हो गया। गए थे आगे, मैं होता इसको उठाऊंगा, मुझे गाली देंगे। नहीं भाई, मैं तो जैसी सूरज दिख नहीं रहा था, मैं अलार्म बजाया और जैसी उठा ना, ठंडी लगी ना, फिर से कंबल डाल के बंद हो गया। मेरे तो बहुत ठंडी लगी थी मुझे। तो ये है हमारी बहन, अंदर जा रही है। कैसा लगा एक्सपीरियंस तुमको यहाँ पर टेंट में? मजा आया सोने? हाँ, जी भर के सोई कि नहीं? की और दिल कर रहा था सोने का तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आया। 7 महीने कौन सा वीडियो रात को भेजा था? गोर। सोया था मैं, अपना टेंट दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मैट्रेस था और मतलब ऐसा नहीं कोई गद्दा हो, मैट्रेस है, उसमें अलग मज़ा आया यार सोने का। हाँ। तो ये मेरा टेंट है जहाँ मैं सोया हुआ था। मेरी बहन अंदर जाके बताएगी और हम भी जाके बताएंगे अंदर। तो ये हमें कंबल दिया गया था, पिलो थे, और देखिए अंदर अच्छे से साफ होते हैं। हाँ, तो इधर आइए, साफ सुथरे कंबल है। बहन क्या बोल रही, साफ सुथरे कंबल? जी हाँ, आइए। ओके, ये पूरा मैंने टेंट खोल दिया।
थैंक यू सुमरा। सामान रखने के लिए भी आपके पास है। वाओ। और कुछ? और ये टेंट में बहुत स्पेस होती है, आप भी आ सकते हैं। इसका नाम है कैंप सैंडरश। सैंडरश, वाओ। थैंक यू सुमू। तो सुमू आपको इंट्रोडक्शन बता रही है इसके बारे में, मैं भी अंदर जाके बता दूं। पकड़िए, तो आप दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। अच्छा, यार देखिए बताना। तो ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा टेंट था जहाँ पर हम सोए हुए थे और बहुत ज्यादा मजा आया। मेरी बहन ने जैसे आपको बताई कि उसको कितना ज्यादा आनंद आया होगा अंदर सोने के लिए, ठंडी बहुत ज्यादा थी। और यही टेंट है जहाँ पर मैं रहता था। तो अंदर जाके बताऊं मैं। तो ये रहा हमारा टेंट। हेलो गाइस, हाय एवरीवन। और ये रहा हमारा कंबल। ये मैं कोने से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा टेंट है यहाँ पर। और ये कोई भी मोटा से मोटा, कोई भी इतना मोटा, चार कोई भी आ सकता है। चार पांच गर्मी में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए इतने सारे 1200 नारियल के पेड़ है यहाँ पर। उसके छाव में हम लोग बैठे हुए थे, फुल ऑन एंजॉय हुआ, बहुत ज्यादा मजा किए। गुड मॉर्निंग माय डियर सिस्टर, गुड मॉर्निंग। कब तक सोएंगे तुम? उठ जाओ सानिया। उठना ही नहीं है। चलो ठीक है। तो अभी हमारी बहन अंदर सो रही है, उनका नींद पूरा नहीं हुआ है क्योंकि और हम चले अभी और दिखाए। इतने सारे नारियल के पेड़ है, देखिए कितने गिन के, इतने सारे अब गिन भी नहीं सकते फिलहाल। तो मैंने यहाँ के ओनर से पूछा कि कितने नारियल के पेड़, उन्होंने बताया 1200 पेड़ है। हर 45 डेज में यहाँ पर आते हैं नारियल लोग तोड़ के लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर नारियल भी बहुत गिरता है, लेकिन ठंडी में ज्यादा नहीं गिरता, और गर्मी में आओगे तो बहुत गिरता है सब। ओके थैंक यू। यहाँ पर चल मार सकते हो, आप आके बैठ सकते हो, यहाँ पर भी आवा के आराम से बैठ सकते हो। रात भर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए, म्यूजिकल नाइट्स खेले, हाउजी खेले और गाना वाना हुआ। सबसे बेस्ट तो ये था। आप जाके अंदर बताइए जो हाँ नहीं होगा। राइट, सही बोला आपने। और गर्म नहीं है पहली बात तो। हाँ प्यारे भी है। हाँ इन्हें बहुत अच्छा है। कितनी बार हमारा हम लोगों के सर पे लगा ठुंग ठांग ठुंग? कितनी बार सर पे लगा? बहुत बार। डांस कर रहे थे तो बहुत बार लगा, और हम लोग सब लोग ने डांस किया, बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक टेंट है। क्यों पता नहीं, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम बनाया हुआ है बैठने के लिए फिलहाल तो। और गाड़ी पार्किंग के लिए भी स्पेस है यहाँ पर, गाड़ी पार्किंग भी आप कर सकते हो, है कि नहीं। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पर वो बोर्ड लगा है कैम्प, कैम्प का बोर्ड लगा हुआ है। राइट, बहुत अच्छा है बताएंगे। मतलब स्टार्टिंग का एंट्री वहाँ से आपका एंट्री है, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। और ये बोर्ड है जहाँ पर हमारी बहन खड़ी है, आप देख सकते हैं। सैंडरश, राइट? सैंडरश। हाँ। तो यहाँ पर भी देख सकते हो सैंडरश का बोर्ड, जिस तरह हमारी बहन ने बताया आपको। सैंडरश आप आओगे पालघर में तो बहुत ही नजदीक है आपके लिए, मुंबई से हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने के लिए। मैं तो बाइक से आया था, मेरी फैमिली लोग गाड़ी से आए थे, बहुत मज़ा आया। और साथ में ये है कि आपको हाईवे से आना है, वहाँ पर आपको मनोर करके जगह रहेगा, वहाँ से आपको लेफ्ट मारना है पालघर के लिए, रोड आता है लेफ्ट मार के, वहाँ से 20 किलोमीटर अंदर पड़ता है ये। मगर सुकून का रास्ता है, खाली रास्ता है, आप आराम से आ सकते हो। और साथ ही साथ आओ तो ठंडी में ज़रूर आना, अलग मज़ा आता है, एक अलग फील है। थैंक यू। यहाँ पर अगर आप आते हो तो सैटरडे को आओ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमको बताया कि सैटरडे को काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर और काफ़ी लोग भी आते हैं। मगर हम लोग फ्राइडे को आए थे तो सिर्फ हमारी फैमिली थी, बाकी और कोई था नहीं शायद, क्योंकि मेरे ख्याल से वीकेंड टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है तो डेफिनेटली लोग आएंगे ही। सबसे ज़्यादा डेफिनेटली मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आई हूँ इतने दूर से। मैं टेंट और इसके लिए ही आई हूँ। मतलब इसको इसको क्या पसंद है पता है? वो बीच पे जाना और नहाना, मतलब और वो रेती जो सैंड है ना यहाँ पे, सैंड बहुत मतलब व्हाइट, एकदम व्हाइट सैंड है। एंड वहाँ पर शेल्स भी हैं।
बनाया हुआ तो है, आपका कलेक्शन भी बन सकता है। शेल्स के कलेक्शन, राइट? तुम कलेक्शन करते हो शेल्स के? नहीं। देखिए आप पीछे देख, वॉलीबॉल का बैडमिंटन भी खेल सकते हो वो, और वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। ये वॉलीबॉल का नेट है यहाँ पर, बहुत ही मजा आएगा। ये वॉलीबॉल भी प्रोवाइड करके आपको देंगे, मतलब इसका इनका कहने का मतलब ये है जो फुल मून डे होता है उस वक्त हाई टाइड काफी होता है इनके पास। फुल मून डे, हाँ, फुल मतलब मून गायब ही हो, हाँ, ना तब नहीं, फुल मून डे जिस दिन फुल मून डे होता है तो उस दिन पानी काफी हाई टाइड पे रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि 10 तक आता होगा, यहीं तक आता है, ये यहीं तक आता है, यहाँ तक आता है, दैट्स इट। फिर उसके बाद चले जाता है, मतलब लो टाइड हो जाता है। तो इनके पास पूरा ग्राफ दिया हुआ है, कब लो टाइड आएगा, कब हाई टाइड आएगा, वो आपको बता देंगे। पानी में कहाँ तक जाना है वो भी आपको समझा देंगे। तो मैं आपकी बात अभी इस वक्त ओनर से कराऊंगा और बताऊंगा। अशोक भाई हैं और उनके एक और ओनर, उनका नाम नहीं पता, वो भी पूछ लिया जाएगा। तो जब वो आपको बताएंगे तो वो काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं कि कब आना है कब नहीं। वो बने रही है हमारे साथ, हाँ। तो रोहित भाई और योगेश भाई, ये दो जन हैं जो यहाँ पर हैंडल आउट करते हैं। तो अभी तो रोहित भाई नहीं है, तो हम योगेश भाई से पूछेंगे कि इसके बारे में कुछ डिटेल्स, इनके कैंपिंग के बारे में, जो हमको बहुत मज़ा आया एक दिन के अंदर। तो आप उनके ज़बानी सुनते हैं। थैंक यू। सो योगेश भाई, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को, हमारी पूरी की पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा मज़ा किया, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पर आने के बाद। हमारा बहुत सारा जगह प्लान बना था जाने के लिए, मगर खासकर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर जाओ, मज़ा आएगा। जो भी हमने पैसे दिए वर्थ था कैंप के लिए भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो सर, आप बता सकेंगे अगर कब आना है, कैसा आना है, यहाँ पर क्या क्या होता है एक्टिविटीज़? देखो ऐसे तो हम लोग का यानी ये बेस्ट सीजन तो यही रहता है, नवंबर टू फेब या मार्च होली तक बेस्ट सीजन रहता है, और इवन समर्स में भी प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है। ओके, तो आप यानी अप्रैल मई तक भी आ सकते हैं। तो इधर इतना यानी ग्रीनरी है, शेड्स है, तो इसमें समर्स में भी कोई इशू नहीं है। और आप ऑल द ईयर राउंड, खाली मानसून में हम लोग का नहीं रहता है, तो ये बट इस बार वो भी प्लान कर रहे हैं हम लोग थोड़ा। अच्छा, मानसून में बंद रहता है ऑलमोस्ट? जी, मानसून में बंद रहता है, बट इस बार हम लोग मानसून में भी प्लान कर रहे हैं, वैसे इंतजाम करेंगे आप लोग। ओके ओके, तो सर ये बताइए कि मतलब कब आ सके, जैसे वीकेंड में आप लोग का कुछ ज्यादा एक्टिविटी, जैसे हम लोग फ्राइडे को हम लोग को मिला नहीं उतना एक्टिविटी, मगर फिर भी मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। हम लोग का सैटरडे संडे का ही रहता है। ओके ओके, तो उसमें क्या है, आप लोग का आज लाइव म्यूजिक नहीं मिला है, तो लाइव म्यूजिक भी उसमें हो जाता है, कोई बात नहीं। सैटरडे को काफी मजा आता है लाइव म्यूजिक में। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे सैटरडे आने का, मगर फिर भी फ्राइडे को है तो भी लाइव में नहीं था तो भी बहुत मजा आया। जी, जी, जी। फिर भी चलो सैटरडे को आते तो डबल मजा आता। जरूर। तो गाइज अगर आप आ सकते हो तो सैटरडे संडे आइए, तो आपको आर्टिस्ट मिलेंगे यहाँ पर, लाइव म्यूजिक मिलेगा, काफी एंटरटेनिंग होगा आपका। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए, थैंक यू सो मच योगेश जी। और आइए फिर, आइए। जी जी, जरूर जरूर, डेफिनेटली आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट में दिखाता हूँ आपको, ये इडली, ये है मेंदू वड़ा, चटनी, सांभर, चाय, और ये रहा बॉयल्ड एग, प्रोटीन। ये सब खाने के बाद आप प्रोटीन भी जमा कर सकते हो बॉडी के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, ये हमारी स्कूटी एक्टिवा, इसे हमें निकलूंगा अभी बॉम्बे के लिए, और ये है हमारी तीन गाड़ियां हमारे चाचा लोगों की, मतलब टोटली हमारे फैमिली इस तीनों गाड़ी के अंदर आए हुए थे। हमारे चाचा फोटो शूटिंग कर रहे हैं, और कुछ कपड़े सूखने के डाले हुए हैं क्योंकि कल बहुत नहाए समुंदर में, तो गाड़ी के ऊपर डाल दिए। तो और भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, समर कैंप है। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरा टूर कंप्लीट हो चुका है, कैंप बहुत मज़ा आया, ऑसम मज़ा आया, फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। और अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने खुद के घर पे, सब मतलब पूरे परिवार अपने घर पे, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको अच्छे से अच्छे एंटरटेनिंग वीडियोज़ डालते रहूँगा, और अच्छे अच्छे लोकेशन के और अच्छे अच्छे फूड ब्लॉग्स के वीडियो डालता रहूँगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।